हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप फाइव फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स टू बाय एट प्रेजेंट ऑन दिस इंडिपेंडेंस डे मुझे लगता है जो भी स्टॉक्स मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूं ये इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में एक काफी अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू हिट दी सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक रिसेंटली हमने वीडियो रखी है इन रिलेशन टू टॉप टू मल्टी बैग स्टॉक्स टू बाय नाउ और साथ ही साथ हमने डिस्कस किए थे आपके साथ कुछ क्वार्टर वन स्टॉक्स के रिजल्ट आप उन वीडियोस को भी जाके जरूर देखिए चलिए अब बात करते हैं पहले स्टॉक की उसका नाम है एल एंड टी एंड टूब्रो इस कंपनी का नाम है और एनएससी में ये लिस्ट है एल टी के नाम से सिंबल से तो आप इस इस स्टॉक को जाके चेक कर सकते हैं बात करूं मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक की तो जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है एल का वो अभी के टाइम पे है टू थाउजेंड और करंट लेवल्स पे भी मुझे ये पर्टिकुलर स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है आफ्टर द रिजल्ट इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक मैसिव वॉल्यूम सर्च देखने के लिए मिला था और साथ ही साथ अगर कंपनी का आप लॉन्ग टर्म पर्स्पेक्टिव या लॉन्ग टर्म नजरिया देखें तो ये पर्टिकुलर स्टॉक आपको एक अप रैली बनाता हुआ दिखाई देगा ऑन दी मंथली चार्ट राइट right. तो जैसा हमने आपके साथ डिस्कस किया था जो मंथली चार्ट होता है वो स्टॉक के लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव को या लॉन्गर ट्रेंड को फाइंड करने में हेल्प करता है लेट मी रिफ्रेश दिस पेज वंस तो यस यह है एल का स्टॉक और अगेन बात करें इसके लॉन्ग टर्म चार्ट की ऑन अ मंथली बेसिस तो आप देख सकते दिखाई दे रहा है यह पर्टिकुलर सेक्टर इंडस्ट्रियल सर्विसेज इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन में बिलोंग करती है और जितना फोकस इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में है एल कैन बी दी मेजर प्लेयर कमिंग आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर दिस पर्टिकुलर सेगमेंट और यहाँ पे आपको एक काफी अच्छे गेन्स देखने के लिए मिल सकते हैं इन कमिंग मंथ्स एंड ईयर्स एट प्रेजेंट प्राइस आप एस करने के बारे में सोच सकते हैं या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके इस पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदने के बारे में सोच सकते हैं आने वाले टाइम पे मुझे लगता है ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये जल्दी आपको 3000 एंड फर्दर 3500 की रिटर्न्स हंड्रेड के देकर जा सकता है और अगर आपको कभी भी ये पर्टिकुलर स्टॉक ट्वेंटी या ट्वेंटी के लेवल पे मिलता है जो निकल के आता है इसका 50 डे एंड 100 डे मूविंग एवरेज तो वहां पे एक काफी अच्छी पोजीशन क्रिएट कर की जा सकती है एल के स्टॉक में राइट पर्सनली मैं इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में एस कर रहा हूं एक बास्केट बना के इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में खरीदूंगा और फर्दर अगर मुझे ये डिप्स पे मिलते हैं तो यहां पे मैं ट्राई करूंगा ऑन ट्वेंटी फोर हंड्रेड लेवल एंड ऐड कर सकूं एंड ऑन 2400 अगर 2100 पे बाय चांस कभी मुझे ये स्टॉक मिलता है तो वहां पर मैं एक डबल एस का स्टिंट ट्राई करूंगा एल के स्टॉक में चलिए अब बात करते हैं सेकेंड स्टॉक के बारे में तो सेकेंड स्टॉक है पॉलीकैब इंडिया राइट वन ऑफ द हॉट फेवरेट स्टॉक ऑन दिस चैनल वी हैव डिस्कस पॉली एंड एज वेल एज एस्ट्रल मल्टीपल टाइम्स और आप देखेंगे जो पॉलीकैप इंडिया है उसका आफ्टर द रिजल्ट एक काफी अच्छा पैटर्न आपको देखने के लिए मिला है ऑन दिस पर्टिकुलर डे जो कि था आप यूं समझ लीजिए सेवनटीन एटीन जुलाई को इस पर्टिकुलर कंपनी के रिजल्ट आए रिजल्ट के साथ एक मैसिव सर्च हुआ वॉल्यूम का पिछले प्रीवियस ट्रेंड्स को इसने ब्रेकआउट दिया और उसके बाद आप देखिए तो ब्रेकआउट को सस्टेन भी कर रहा है और करंटली एक ऑन अ डे बेसिस चार्ट एक बॉक्स पैटर्न या काफी अच्छा प्राइस एक्शन फॉर्म करते हुए हमें दिखाई दिया है और जैसा कि हम डिस्कस करते हैं ट्वेंटी डेज मूविंग एवरेज पे ये पर्टिकुलर स्टॉक सपोर्ट ले रहा है ऑन दी लेवल अबव येस ऑन दी लेवल अब फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड ट्वेंटी सेवन रुपीज यहां पर एक नया ब्रेकआउट स्टार्ट हो सकता है और यहाँ पे एक नया ट्रेंड आपको देखने के लिए मिल सकता है इन अ अपवर्ड जर्नी जो इस पर्टिकुलर स्टॉक को आपको जल्द ही फाइव थाउजेंड फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड तक के टारगेट देके जाएगा ये थी बात शॉर्ट टर्म की हाउएवर अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक को हम मंथली चार्ट देखें यानी कि इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड फाइंड आउट करे तो आप देखेंगे जो का चार्ट है ये सिमिलरली एल एन टी के चार्ट की तरह एक अप ट्रेंड में ही रहा है और यहां पे मुझे ये काफी अच्छा लग रहा है फॉर दी एस आई पी और फॉर दी लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव अ मिनट ये है इसका मंथली चार्ट और आप देखिए कभी भी इसने मंथली चार्ट पे अपने 20 डेज के मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं किया है और ये हमेशा हायर हाई एंड हायर लोज ही आपको बनाता हुआ दिखाई दिया है ये पर्टिकुलर स्टॉक पॉलीकैब इंडिया का अगेन ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये प्रोड्यूसर है मैन्युफैक्चरर है इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स का वायर्स बनाती है जैसा कि आप सब लोग जानते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है उसमें वायरिंग का क्या रोल प्ले होता है जितनी भी वायर्स होती है इवन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं अगर आपके घर डेवलप घर डेवलप हो रहे हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर या सोसाइटीज बन रही है उनमें जो वायरिंग का जो काम होता है वहाँ पर एक पॉली कैप इंडिया के प्रोडक्ट्स काम आते हैं तो ये है मेरा सेकेंड स्टॉक और अगर मैं आपको बताऊं तो ये पर्टिकुलर स्टॉक अगर आपको मिलता है फोर थाउजेंड या थर्टी सिक्स हंड्रेड के लेवल पे कभी भी बाय चांस तो इट्स आ मस्ट बाय स्टॉक एट दोज लेवल्स तो यहां पे मैं बता दूं फोर थाउजेंड के आसपास आप अपनी एस आई पी को प्लस वन कर सकते हैं एंड थ्री थर्टी सिक्स हंड्रेड पे आप इसे प्लस टू कर सकते हैं तो मान लीजिए अगर आपकी रेगुलर एस चल रही है और ये स्टॉक गिरना स्टार्ट कर देता है तो अगर आपको ये अपने सपोर्ट या एवरेज के पास आता हुआ दिखाई दे तो वहां पे आपको अपनी एस को थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए ताकि आपके स्टॉक्स एवरेज हो जाए और आगे चल के आपको और भी अच्छे रिटर्न मिलने के पोटेंशियल को अनलॉक कर पाए चलिए अब बात करते हैं थर्ड स्टॉक का थर्ड स्टॉक है टाटा मोटर्स टाटा मोटर्स का स्टॉक हम अपने चैनल पे चार सौ रुपये से रिकमेंड कर रहे हैं और इस पर्टिकुलर स्टॉक में मैंने आपको मल्टीपल टाइम वीडियोज बना के बताया है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है आफ्टर एट ईयर्स आप देखेंगे टू 2015 का टाइम था जब इस पर्टिकुलर स्टॉक ने हाई बनाया था रफली अराउंड सिक्स हंड्रेड का और उसके बाद आपको यहां पे 2023 जून में इसका लेवल ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दिया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है इस पर्टिकुलर स्टॉक में हालांकि ऊपर से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई है करंट लेवल्स है 607 रुपीस के आसपास बट अभी भी मुझे ये पर्टिकुलर स्टॉक काफी स्ट्रॉग लगता है और यहां से भी ये फर्द नाइन हंड्रेड के टारगेट अचीव कर सकता है इन कमिंग डेज

320, 350 के लेवल पे तो वहां पे आप डबल कर सकते हैं अपनी एस को बात करते हैं अब पोर्ट स्टॉक की पोर्ट स्टॉक का नाम है एशियन पेंट्स ओके okay. ये हमारे इंडिपेंडेंस डे से जब हम इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उससे पहले की कंपनी है और अभी के टाइम पे मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है बिकॉज ऑफ द क्रूड ऑयल्स इस पर्टिकुलर स्टॉक में अपने टॉप लेवल्स यानी कि 3600 के भाव से थोड़ा बहुत करेक्शन देखने के लिए मिला है अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक के चार्ट को देखेंगे तो पॉलीकैब एंड एल अगर आप उन दोनों का चार्ट देखें ऑन डे बेसिस तो यहां पे भी एक बॉक्स पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा और जैसे ही ये पर्टिकुलर स्टॉक बॉक्स पैटर्न यानी कि 3700 के ऊपर निकलता है यहां पे एक तेजी आपको देखने के लिए मिल सकती है एशियन पेंट्स के स्टॉक में जितने भी स्टॉक्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं दे आर एक्सेप्शनली वेल स्ट्रॉन्ग वेल स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स और किसी भी स्टॉक में आपको आगे चल के बार बार ये नहीं सोचना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर कंपनी परफॉर्म करेगी या नहीं राइट right? एशियन पेंट इज दी लार्जेस्ट पेंट कंपनी इन इंडिया और ये अपने बिजनेस को एक्सपैंड करती जा रही है इवन इन इंफ्रास्ट्रक्चर इवन इन होम डेकोरेशन विच इज गुड फॉर दी कंपनी और इसका इम्पैक्ट आपको आने वाले टाइम में देखने के लिए मिल सकता है ये है इसका मंथली चार्ट और आप देखेंगे मंथली चार्ट में सेम ट्रेंड है हायर हाई हायर लोस बनाते हुए आ रही है कंपनी और कभी भी अपना प्रीवियस जो लो है उसको ब्रेक नहीं किया है एशियन पेंट्स के स्टॉक ने और अभी भी मुझे लगता है कि यहां पे एक डबल बॉटम बन चुका है फॉर एशियन पेंट्स एंड यहां पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देखने के लिए मिलेगी जो कंपनी का सपोर्ट निकल के आता है वो है ट्वेंटी सेवन हंड्रेड रुपीज का ट्वेंटी सेवन हंड्रेड रुपीज के आसपास अगर आपको मिलता है तो यहां पे आप डबल डाउन कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में एस को और अगर तीन हजार के आसपास भी कहीं पे ये स्टॉक आपको मिल जाए तो वहां पे एक अच्छी एंट्री पॉसिबल लगती है मुझे एशियन पेंट्स के स्टॉक में जो लास्ट स्टॉक है इस वीडियो का वो है रा, मिस्टर राकेश झुं झुंझुनवाला जी का फेवरेट टाइटन का स्टॉक तो ये पर्टिकुलर स्टॉक वो स्टॉक है जिन, जिन्होंने मिस्टर लेट राकेश झुंझुनवाला जी को एक मल्टी बैगर या एक मल्टी बिलियनर बना दिया तो आप देख सकते हैं यहां पे हमने इस पर्टिकुलर स्टॉक को रेकमेंड किया था ऑन द लेवल ऑफ 2200, 2300 ट्वेंटी थ्री हंड्रेड यहां पर मैंने आपको बताया था डबल बॉटम बन रहा है एक एंट्री पॉसिबल है और उसके बाद आप देखिए जैसे इस पर्टिकुलर स्टॉक ने डबल बॉटम का ब्रेकआउट दिया और डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दिया आपको एक तरफा तेजी देखने के लिए मिली और अभी के टाइम पे डेली चार्ट पे ये एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाने जा रहा है और मुझे लगता है कि अगर ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट बत्तीस सौ रुपए के ऊपर तो आपको जल्दी थर्टी के टारगेट टाइटन के स्टॉक में आते हुए दिख सकते हैं और अगर आपको इसमें एसआईपी करनी है तो करंट लेवल्स मुझे बुरा नहीं लगता है फर्दर अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक आपको ट्वेंटी के आसपास मिलता है तो वहां पर आप एक बार दोबारा से एस को बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं टाइटन के स्टॉक में और एक बोनस को मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं जो मुझे लगता है वो है चलिए दो बोनस स्टॉक्स मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं जो है गवर्नमेंट के सेक्टर से एक है रेलवे सेक्टर का पार्ट जिसका नाम है आईआरएफसी आप देखेंगे आफ्टर द रिजल्ट यहां पे ना एक काफी अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिला है और काफी अच्छी बाइंग देखने के लिए मिली है निचले स्तरों से तो ये पर्टिकुलर स्टॉक अगर 52 के ऊपर जाता है तो ये पर्टिकुलर स्टॉक आने वाले साल में आपको अच्छा रिटर्न देके जा सकता है ब्लू स्काई जोन में ये पर्टिकुलर स्टॉक निकल जाएगा और 52 के बाद इसके 60, 65, 70 तक के टारगेट हमें देखने के लिए मिल सकते हैं आई के स्टॉक में जो सेकंड स्टॉक है वो है जी का गार्डन रीच शिप बिल्डर्स मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी काफी अच्छी तेजी बनती भी हमें दिखाई दी है अभी तक ज्यादा बड़े नहीं है जी uh, का स्टॉक आई गेस पिछले साल से ऑलमोस्ट फिफ्टी uh, टू सिक्सटी परसेंट ज़्यादा रिटर्न दे चुका है बट जो इनके रिजल्ट थे वो दर्शाते हैं कि जो कंपनी का ऑर्डर बुक है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और ये पर्टिकुलर स्टॉक्स भी और ये पर्टिकुलर स्टॉक भी आपको जल्द ही 700, 750, 900 तक के टारगेट देके जा सकता है तो आपका जो मेजर फोकस होना चाहिए अगर लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो वो इनिशियल पांच स्टॉक्स में होना चाहिए राइट right. और अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है या मतलब आपको पैसे को स्टक नहीं करना है अगले एक साल के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए या अगले छह महीनों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए तो जी आर एस सी एंड आई आर एफ सी में आपको एक या दो क्वार्टर्स में एक अच्छी तेजी देखने के लिए मिल सकती है और अगर एक बैंकिंग स्टॉक को मैं पिक करूं इस वीडियो में तो वो मेरी तरफ से होगा एच बैंक जो मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूं और मुझे लगता है कि एच बैंक करंट लेवल्स पे मुझे अच्छा लगता है हाउ आफ्टर एच गेटिंग मर्ज टू एच बैंक यहां पर आपको एक लिक्विडिटी प्रॉब्लम देखने के लिए मिली जो काफी ज्यादा पैसा था वो स्टॉक मार्केट का जो पैसा था निफ्टी फिफ्टी का एन इंडेक्स का वो पैसा आपको आउटफ्लो होते हुए दिखाए एच से और प्लस लॉट ऑफ big institutions सोल्ड एच डी एफ सी बैंक के शेयर बिकॉज दे हैव टू मेंटेन सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंटेज इन इन पर्टिकुलर स्टॉक फॉर दियर म्यूचुअल फंड उसकी वजह से भी यहां पे एक आउटफ्लो देखने के लिए मिला बट वंस दी एच डी एफ सी बैंक एंड एच डी एफ सी सी मेक्सअप और दे कम इन टू द प्ले ये पर्टिकुलर स्टॉक आपको आसमान हुआ मिलेगा दैट इज माई टेक ऑन दी एच एफ सी बैंक और मुझे काफी अच्छा लगता है और मैं पर्सनली भी काफी बुलिश हूँ इस पर्टिकुलर स्टॉक में तो ये कुछ स्टॉक्स जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था ऑन दिस इंडिपेंडेंस डे और काफी अच्छा पोटेंशियल है यहाँ पे और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का पार्ट अगर आपको बनना है तो डेफिनेटली इन पर्टिकुलर स्टॉक्स को आपको अपने पोर्टफोलियो में या अपने रिडार पर तो डेफिनेटली रखना चाहिए डिस्कलेम दिस इस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही पैसा लगाए दैट्स एट हैप्पी इन्वेस्टिंग